जैसे कि हमने बात की कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है और हमारे पास लिमिटेशन भी नहीं है कि हम कम पेजेस क्रिएट करें या हमारे पास जगह जगह की कमी है या टाइम की कमी है हम अनलिमिटेड पेजेस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पसंद करते हैं कि वो सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाएँ अब सिंगल पेज वेबसाइट्स का क्या मतलब है सिंगल पेज वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही पेज होता है अगर आपने कभी ऐसी वेबसाइट देखी हो जो आप क्लिक करें तो उसी पेज के नीचे स्क्रोल करके वो सेक्शन में चले जाते हैं जिस जिस तरह से आप मेन्यू पर क्लिक करते चले जाते हैं आप नीचे और स्क्रोल करते चले जाते हैं तो ये वेबसाइट देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन इनका नुकसान भी है एक वो नुकसान इस तरह से है कि एस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंटेंट हैंडी होते हैं मतलब कि उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं डाला जा सकता अब हमने चूंकि गूगल को अंडरस्टैंड किया है कि गूगल आपका कंटेंट इंडेक्स करता है और उसके बाद लोगों को दिखाता है जब आपकी वेबसाइट का एक ही पेज होगा तो गूगल उस एक ही पेज को इंडेक्स कर सकेगा और वो एक ही पेज आपकी हर सर्विस को एक्सप्लेन कर रहा होगा सिंगल पेज वेबसाइट उन वेबसाइट्स के लिए ठीक है या उन बिजनेसेस के लिए ठीक है जिनकी शायद एक ही सर्विस हो या अमूमन आपने देखा होगा कि कभी कोई कॉन्फ्रेंस पेज हो या कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट हो या कोई इवेंट हो तो लोग सिंगल पेज वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पर पे दे दे दी जाती है बिज़नेस के लिए ये सिंगल पेज वेबसाइट्स बिल्कुल ठीक नहीं है मैंने ये आपको बताना मुनासिब इसलिए समझा कि हमने एक तरफ़ जहाँ ये बात की है कि हमने मज़ीद पेजेस क्रिएट करने हैं और पेजेस क्रिएट करने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे या ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपसे शायद ये बहस करें कि भाई हमें तो सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल पेज वेबसाइट में आपको मसला होगा एस करने में भी और तो क्लाइंट को बिजनेस भी नहीं मिलेगा अगर आप पेजेस क्रिएट नहीं करेंगे अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन राइट पेज पर नहीं डालेंगे अगर आपसे सब कुछ होम पेज पे रख देंगे तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा और आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की जगह भी नहीं होगी तो क्यों हम ख़ुद को लिमिट करें जब हमारे पास वर्चुअली अनलिमिटेड जगह है कि हम मज़ीद पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं हम मज़ीद टाइम uh, भी स्पेंड कर सकते हैं तो हमारे पास जब लिमिट ही नहीं है तो हम ख़ुद से क्यों लिमिट करें तो बींग अ मार्केटर बींग अ डिजिटल मार्केटर आपको चाहिए कि आपके पास जितनी भी जगह है आप उसको कैप्चर करते चले जाएँ और उस पर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते चले जाएँ सिंगल पेज वेबसाइट्स का मुवजना आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट से कर सकते हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है आपका किचन आपका बेडरूम आपका डाइनिंग रूम आपका टीवी लाउंज सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है और वो अगर किसी एक ने रहना है या किसी ने थोड़ी देर के लिए रहना है तो वो ठीक बात है लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या अगर आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें बढ़ानी हैं तो आपको कमरे चाहिए इसी तरह से आपको वेबसाइट पे भी जगह चाहिए जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें जहाँ पर आपका क्लाइंट आपसे आके बात कर सके आपकी राइट इन्फॉर्मेशन देख सके तो कोशिश करें कि सिंगल पेज वेबसाइट से अवॉइड करें क्योंकि अच्छी वेबसाइट के लिए या अच्छी एस के लिए आपको वेबसाइट पर कॉन्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपसे कोई इस बात पे जिद करता है कि सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करें या सिंगल पेज वेबसाइट मैनेज करें तो आपने उनको यह समझाना ज़रूर है कि सिंगल पेज वेबसाइट्स पे एस अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि उस पर आपके पास गुंजाइश नहीं है